पाकिस्तान के प्रतिबंधित पूर्व सलामी बल्लेबाज नासिर जमशेद पर पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेटरों को रिश्वत देने के आरोप में ब्रिटेन में मुकदमा चलेगा। जमशेद और ब्रिटेन के दो नागरिकों यूसुफ अनवर और मोहम्मद एजाज को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने तीनों को पाकिस्तान और बांग्लादेश में आयोजित टूर्नामेंटों में कथित स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के तहत गिरफ्तार किया था। बता दे वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जमशेद पर 10 साल का प्रतिबंध लगा रखा है। पाकिस्तान के इन तीनों पूर्व टेस्ट खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग में सभी खिलाड़ियों को खराब प्रदर्शन करने के लिए रिश्वत देने का आरोप है। बता दे यह मामला नवंबर 2016 से फरवरी 2017 के बीच का है। वही अनवर और एजाज पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को खराब प्रदर्शन करने के लिए रिश्वत देने का आरोप भी है। यह मामला 2015 का है। बता दे सोमवार को तीनों ने मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में इन आरोपों के लिए दोषी नहीं होने की दलील दी। फिलहाल तीनों को बिना शर्त जमानत दे दी गई है, लेकिन उनसे कहा गया है कि वे 6 सितंबर को एक पूर्व परीक्षण समीक्षा सुनवाई में भाग लेंगे और तीनों पर 2 दिसंबर से इसी अदालत में सुनवाई होगी। ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे punjabkesari.com पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना पंजाब केसरी दिल्ली। करण खुराना पंजाब केसरी दिल्ली।